तो गुरु आज की ये मूवी प्यासे लोगों से भरी पड़ी है, चाहे हमारे तुम्हारे जैसे लौंडे हो या 60 साल के बुड्ढे हो, हर कोई यहाँ पर गुच्ची प्रेमी है। तो किसको मिलती है गुच्ची और किसकी होती है छुट्टी, ये तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। मूवी का नाम है समर ऑफ लागुलेट, जो की रिलीज हुई थी ईयर 1996 में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं तीन दोस्तों को, जो कि गर्मी की दोपहर में अपने घर वालों को चूरन दे करके एक दूसरे से मिलने के लिए बाहर निकल जाते हैं। और आज का उनका प्लान है बेंजी नाम के एक आदमी से मिलने का, क्योंकि अभी अभी वो बाहर देश से होकर आया है, तो आसपास के सभी लोगों में वो बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह है। वो बच्चे बहुत ज्यादा शरारती होते हैं और उनसे पूरा शहर परेशान है। पर वो बच्चे जिससे परेशान है वो है उस शहर के कुछ यंग लड़के, जो कि उन बच्चों की ही ले लिया करते हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं भाई साहब वो तो इनसे भी परम है, आते जाते लड़कियों को छेड़ा करते हैं। कैमरा स्विच होता है इन तीनों बच्चों की बड़ी बहनों की तरफ, जिनका नाम मरियन, चीजे और टीना था, जो कि अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करती हैं। कोई ज्यूस है, कोई मुस्लिम है और कोई क्रिश्चियन, लेकिन फिर भी इनके बीच बहुत प्यार होता है। और यहाँ पर बैठे हैं ये लोग अपने अंदर की खुजली के बारे में डिस्कस कर रही हैं, और इनका मानना है कि शादी हो जाएगी उसके बाद तो बस एक ही फ्लेवर वाली बंदूक मिलेगी, इससे अच्छा है कि शादी के पहले हम लोग अलग अलग फ्लेवर की बंदूक ट्राई कर लें, कम से कम टेस्ट तो पता चल जाएगा। जिस पर ये तीनों ही एग्री करती हैं। और फिर अगले दिन चर्च जा करके ये तीनों इस बात की कसम खाते हैं। पर यहीं पर मौजूद थी मोहल्ले वाली आंटी, जिनका नाम था ताइता, और पेशे से ये लोगों की शादियां करवाती हैं। खैर, चर्च से निकल करके जब ये लोग जीजी के घर पर जाते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि जीजी का एक कजन है जो कि अभी अभी विदेश से वापस आया है। अब भाई साहब विदेश से बंदा आया है तो ये सुनकर ही आधे ज्यादा लड़कियों की कच्चियां गीली हो जाती है। और ठीक ऐसा ही हाल जीजी का भी है, वो अपने ही कजिन को याद करके अपनी उंगलियों को दर्द दे रही है। खैर, यहाँ पर हम एक चीज और देख पाते हैं, जैसे इनके तीनों भाई एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप में, वैसे ही इनकी बहनें भी फ्रेंडशिप में, और ठीक इनकी तरह ही इनके पेरेंट्स भी एक दूसरे के साथ बहुत गहरी फ्रेंडशिप में हैं। इसी चलते एक दिन जब ये सारे पेरेंट्स अपनी अपनी फैमिली के साथ एक घर में आकर डिनर करते हैं कि तभी वहां पर बीजी भी आता है। एक्चुअल में बीजी इनका लैंडलॉर्ड है और इनके इन्वाइट करने पर वो भी यहाँ पर आया हुआ है, पर इस बीच वो गलती से मरियम को नहाते हुए देख लेता है। यहीं पर दूसरी तरफ हम यूसुफ को देख पाते हैं, जो कि मरियम का डैड है और वो ट्रेन में टिकट कलेक्टर का काम करता है। इसी बीच जब वो अपने कलीग्स के साथ बैठा हुआ था, तो यहाँ पर उसके कलीग्स ज्यूइस लोगों को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ज्यूइस लोगों को उनके साथ रहने का कोई हक नहीं था क्योंकि ये लोग मुस्लिम थे। पर यूसुफ को ये बात उसकी खास पसंद नहीं आती, क्योंकि उसका तो बेस्ट फ्रेंड जो खुद ज्यूइस है, तो इस बात पर उसे बुरा लगने लगता है। इसलिए वो वहां से उठकर अपने उन्हीं दोनों फ्रेंड्स के पास चला जाता है और एक बार फिर से ये सब साथ में बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ उन तीनों लड़कियों की खुजली भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अभी तक उनकी नली में किसी ने बंदूक नहीं डाली है, इस वजह से वो काफी परेशान है। और इसी के जुगाड़ में वो एक जगह पहुंचती है और वो उसे अजीब तरह से देखने लगता है। हालांकि मरियम यहाँ पर खास कुछ नोटिस नहीं करती है, पर हम नोटिस कर लेते हैं कि बीजी का कच्चा अब टाइट पड़ने लगा है मरियम को देख देख करके। दूसरी तरफ हम शहर के तीन लड़कों को देख पाते हैं, लड़कियां हैं जो बेचारी अपने गोदाम के लिए मालिक नहीं ढूंढ पा रही हैं, और ये लड़के सालों से उन तीनों को याद कर करके अपना हाथ जगन्नाथ कर रहे हैं, और अब तो इन्होंने कम्प्लीटली लेने का डिसीजन बना ही लिया है, जिसके जुगाड़ में ये लोग पहुंचते हैं जीजी की कजिन की शादी में। वो लबल लबर करके कोई कंचुल पकड़ लेता है, कोई भगोना धुलने लगता है, कोई सामान उठाने लगता है, पर इतने में ही जीजी के जो फादर थे वो आके उन्हें गरियाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लौंडे किस तरह। लेकिन जब उनके वो दोनों दोस्त उन्हें इंसिस्ट करते हैं कि चलो यार मन लगा के काम करना चाहते हैं तो करने दो, क्या दिक्कत है, तो वो भी मना नहीं कर पाते और ये तीनों शादी में लबल लबर करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम ताइता को देख पाते हैं, जो कि अपने ढीले अंगूर दिखा करके बीजी को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है, पर बीजी को तो अब गुलाबी दिख गई थी और उसे गुलाबी चाहिए, इस वजह से वो काले को तो देख के ही मना कर देता है। इन तीनों लौंडो ने भी अब तक उन लड़कियों को पटा लिया है, जिसके बाद ये लोग डेट का डिसाइड करते हैं। ऐसे करते करते इनकी आशिकी के भी दिन बीतने लगते हैं और चाटने पूछने वाला कार्यक्रम भी स्टार्ट हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद जीजी के कजिन की शादी भी आ जाती है, जिसकी तैयारी में ये लोग बर्तन धुल रहे थे, वही वाली। और यहाँ पर हम देख पाते हैं अभी भी बीजी मरियम को देख देख करके सोला रहा है, और दूसरी तरफ मरियम और उसकी जो सहेलियां हैं वो किसी तरह से शादी से कल्टी मारना चाहती है, क्योंकि दूसरी तरफ बापू ने उनके लिए स्ट्रॉबेरी लाके जो रखा है। जब सभी लोग पार्टी में बिजी हो जाते हैं तो ये लोग कुप्चे से कट लेती हैं और
अपने बाबू के साथ टिक टिक घोड़ी खेलने लग दी। यहाँ पर पीची को शक होने लगा कि मरियम और उसकी तीनों सहेलियां कहाँ गई। तभी उसने नोटिस किया कि वो तीनों बंदे भी यहाँ पर नहीं, जिस पर उसे समझ में आ गया है कि कहीं पर दो गड्ढों की खुदाई हो रही है, जिस पर वो तुरंत ही इन तीनों लड़कियों के पेरेंट्स के पास जा करके उन्हें ये सारी बात बताता है। तो वो सभी लोग मिल करके उन्हें ढूंढने लगते हैं और अनफॉर्चुनेटली ये लोग उन्हें मिल भी गए। अभी तक तो उन लौंडों की बोहनी भी नहीं हुई थी कि इतने में ही आकर के ये तीनों इन्हें इंटरप्ट कर देते हैं, जिसके बाद अपनी जान और अपनी दोनों ही बचाते हुए वो लौंडे तो वहां से भाग गए, पर ये सारी पकड़ी जाती है। जिसके बाद सभी के पेरेंट्स उन्हें अपने अपने घर ले जाकर के धर कर जाते हैं और एक आधे तो जुतिया भी देते हैं। इस बीच सभी पेरेंट्स को ये लग रहा था कि इनकी लड़की को उनकी लड़की ने बिगाड़ा है और उनकी लड़की को इनकी लड़की ने बिगाड़ा है, जिस वजह से तीनों अंकल के बीच में जितनी दोस्ती थी उसके फड़वे लग जाते हैं। वो लौंडे भी बेचारे एक बंद बड़ी फैक्ट्री में जाकर छिप जाते हैं और यहाँ पर इन लड़कियों को भी इनके घर के अंदर बंद करके रख दिया जाता है। ऐसे करते करते कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन मरियम की मॉम उसे बुरखा देकर कहती है कि तुम इसे पहन करके बाहर जा सकती हो। मरियम को फिलहाल कुछ समझ में नहीं आता कि अभी तक तो ये लोग पैर भी बाहर नहीं रखने दे रहे थे और अचानक से बुरखा देकर बाहर जाने को कैसे बोल दिया, लेकिन फिर भी वो इस चीज को अवॉइड करती है और इसके अगले दिन उसके घर पर बीची आता है। मरियम ने उससे बताया कि घर पर कोई भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी लबरा इंसान वहीं पर बैठ जाता है। तभी बीजी ने उसे बताया कि वो जो बुरखे वाला आइडिया था वो उसने ही उसकी मॉम को दिया था और बीजी की बात कोई काटता नहीं है, इस वजह से उसकी मॉम ने भी उसे अलाउ कर दिया। ये चीज मरियम को काफी पसंद आती है और वो समझ जाती है कि ये बुढ़ऊ उसका और भी काम बनवा सकता है। जिस बीच वो मरियम से बात करने लगा और मरियम भी उसके सवालों का जवाब देने लगती है, लेकिन इसी बीच मरियम ने नोटिस किया कि बीची उससे बात नहीं कर रहा है बल्कि वो तो उसके रसीले संतरों को ताड़ रहा है। ये देखकर एक पल तो मरियम की फटके हाथ में आ जाती है, पर अगले ही पल वो इसका अच्छा फायदा उठाती है, जिसके बाद उसने भी उसे अपने संतरों के दर्शन कराए और अपनी गुफा में आने का इन्विटेशन का हल्का सा झलक दिखाती है। उसने बीची से कहा कि वो किसी तरह से उसके पेरेंट्स को मना ले ताकि वो लोग उसे स्कूल जाने की परमिशन दे दे। बीजी भी इस बात के लिए हाँ कर देता है, पर उसने कहा कि इसके लिए मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुरखे में ही अलाउ करूंगा। अब मरियम की ऐसी फटी पड़ी है कि उसकी कोई भी शर्त हो मरियम हाँ बोलने को तैयार है। यहीं पर दूसरी तरफ हम वो तीनों अंकल देख पाते हैं। उनके बीच तो दोस्ती हुई चने रही थी और शहर के लोग ये देखकर काफी परेशान थे, क्योंकि आसपास के लोग तो उनकी ही दोस्ती की मिसालें दिया करते थे और अब तो उन्होंने अपने खुद ही लगवा रखे हैं। खैर, इतने में ही यूसुफ के पास बीजी पहुंचा, जो कि उसे सजेशन देते हुए कहता है कि इस समय मरियम की बहुत बदनामी हो गई है, तो तुम एक काम करो, मरियम की अर्थात अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दो। मैं इस शहर का सबसे रिच इंसान हूँ, तो ऐसे में तुम्हारा नाम भी हो जाएगा और ये जो बदनामी हो रही है ये भी बंद हो जाएगी। पर यहाँ पर यूसुफ को पता था कि उसकी गाड़ी माइलेज नहीं देती है। वो किसी तरह से खुद को दिलासा दे रहा है कि वो अपनी गाड़ी को धक्का लगा लेगा, पर उसकी गाड़ी का तेल इतना तेजी से लीक होता है कि माइलेज तो क्या वो स्टार्ट भी ना होगी। इस वजह से वो उसके ढीले के लिए भी भरोसा नहीं करता और उससे मना करके वहां से चला जाता है। खैर, अंकल जी जब घर जाते हैं तो यहाँ पर उन्हें समझ में आता है कि इन सभी दोस्तों के बीच में लड़ाई तो बीजी की वजह से ही हुई है। उसी रात उसने आकर के इन सभी लोगों के कान भरे थे। अब जाकर के उससे पूरी बात समझ में आई है, तो वो अपने फ्रेंड्स के पास जाकर के ये सारी बात क्लियर करता है और एक बार फिर से उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। खैर, ऐसे करते करते कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब उनके पेरेंट्स के साथ साथ उनके जो बेटे और बेटी थी वो भी आपस में मिलने लग जाते हैं। एक दिन जब बीजी मरियम को देखकर हिलाने के प्लान से उसके घर जाता है तो उसे मरियम मिलती नहीं, और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं मरियम उन्हीं तीनों लौंडों के साथ वहां पर मौज काट रही है। ये बात जब बीजी ने यूसुफ और उसके फ्रेंड्स को बताई तो भैया जी इस बार तो वो लोग उसे ही सुनाने लग जाते हैं, और बीजी को जल्दी ही समझ में आ गया कि अगर उसने कल्टी नहीं मारी तो इस बार ये लोग उसकी ही मार लेंगे, तो वो तुरंत ही वहां से कट लेता है। पर उसके जाते ही तोयदा वहां पर आ गई, जो उसे बताती है कि ये सच कह रहा है और तुम्हारी बेटियां सच में वहां पर तबले बजवा रही है। तो ये सभी लोग अपनी अपनी बेटियों को लेने के लिए शहर से बाहर बताई गई डेस्टिनेशन पर निकल जाते हैं। पर अच्छी बात ये थी कि उन तीनों लड़कियों को ये बात पहले ही पता चल जाती है, तो वो लोग किसी तरह से उनके आने के पहले ही कट ली और घर जाकर के अनन्या द स्ट्रगल गर्ल वाली ऐसी एक्टिंग करती हैं कि उन्हें सच में ऐसा ही लगने लगता है कि ये लोग तो घर पे ही थी, अभी तक बाहर ही नहीं निकली।
बीचे को ये देख करके बहुत गुस्सा आता है कि वो बेचारा मुठिया ही चला रहा है और दूसरी तरफ वो लौंडे पूरा का पूरा खा गए हैं। तो इस गुस्से में वो अगले दिन जोजो के घर जा करके, अब मैंने बताया था कि बीची का ही ये घर है, ये उनका लैंडलॉर्ड है, तो उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। मरियम को अब तक समझ में आ गया है कि बीची ये सब कुछ बस उसकी गुलाबी लेने के लिए कर रहा है। तो अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए अगले दिन वो बुर्का पहन करके बीची के घर पहुंच जाती है। अब ऐसे अचानक से आने पर बीची ने उससे आने का रीजन पूछा, पर इतने में ही उससे अपना बुर्का खोल दिया। और बुर्का के हटते ही जब उसके सामने अचानक से गुलाबी दिखती है तो भैया वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वहीं पर फड़फड़ाने लगते हैं। अगले ही पल पता चला कि बीजी तो टैं हो गया। अबे ऐसी भी खुशी किस काम की। खैर ये बात जब पूरे शहर में फैलती है कि बीजी के फड़वे लग चुके हैं तो शहर के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बीजी शहर का सबसे अमीर इंसान था और ऐसे में वो सभी लोगों को परेशान किया करता था, जिस वजह से उसके फड़वे लगने पर लोग खुश हैं। और उनकी इसी खुशी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गुरु तुम्हें मूवी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। उससे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।